उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में बीते कई दिनों से अपने पति से विवाद के बाद चर्चा में आई एसडीएम ज्योति मौर्या की जेठानी ने अब उनके ससुराल के लोगों पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। पहले ज्योति मौर्या ने अपने पति से रिश्ता तोड़ने की बात कही, अब ज्योति मौर्या की जेठानी भी उसी राह पर चल चुकी हैं। ज्योति मौर्या की जेठानी शुभ्रा मौर्या ने कहा है, अब उनके ससुराल के लोगों पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। पहले ज्योति मौर्या ने अपने पति से रिश्ता तोड़ने की बात कही, अब ज्योति मौर्या की जेठानी भी उसी राह पर चल चुकी हैं। ज्योति मौर्या की जेठानी शुभ्रा मौर्या ने कहा है कि आलोक और उसके घर वाले उसके साथ धोखा कर चुके हैं, उसे परेशान किया जाता है और मारपीट की जाती है। ज्योति मौर्या की जेठानी शुभ्रा मौर्या ने ज्योति मौर्या के पति आलोक के बड़े भाई विनोद के ऊपर ये आरोप लगाए हैं। विनोद जीएसटी विभाग में काम करता है, जबकि ज्योति मौर्या की जेठानी शुभ्रा एक गवर्नमेंट टीचर है। शुभ्रा मौर्या ने कहा है कि आलोक मौर्या तीन भाई हैं। सबसे बड़े भाई का नाम अशोक मौर्या, फिर विनोद मौर्या और सबसे छोटे भाई आलोक मौर्य हैं। आलोक मौर्या की पत्नी ही ज्योति मौर्या है, वही विनोद की पत्नी का नाम शुभ्रा है। शुभ्रा का आरोप है कि उनके पति उनके साथ शराब पीकर मारपीट करते हैं। 2018 में उन्होंने इस मामले में पुलिस में शिकायत भी दी थी, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। शुभ्रा मौर्या ने कहा है कि उनके पति ने 10 जुलाई को उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद 15 तारीख को परिवार वालों ने उनके घर पर आकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस बुलानी पड़ी। शुभ्रा ने यह भी कहा है कि विनोद मौर्या लगातार उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर तुम नहीं मानी तो मैं ट्रेन के आगे कूद कर जान दे दूंगा और तुम्हें बदनाम कर दूंगा। शुभ्रा ने कहा है कि अगर पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर ली होती, मुझे इस तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़ता। शुभ्रा ने कहा है कि 2018 में बेटी के पैदा होने के बाद ससुराल के लोगों ने उन्हें टॉर्चर किया। इसके अलावा मायके के लोगों ने जब उन्हें प्रयागराज में घर खरीद कर दिया तो उस घर पर आकर भी विवाद किया जाने लगा। शुभ्रा का कहना है कि आलोक मौर्या की तरह विनोद ने भी उनसे झूठ बोलकर शादी की थी। शादी के कार्ड में इंटेलिजेंस ब्यूरो लिखवाया गया था, लेकिन इसका असल सच दूसरा था। इसके पहले आलोक मौर्या की भी शादी का कार्ड वायरल हुआ था, जिसके बारे में शुभ्रा मौर्या ने यह कहा था कि ससुराल के लोगों ने आलोक का पद ग्राम विकास अधिकारी बताया था, जबकि आलोक पंचायत विभाग में सफाई कर्मचारी है। कुल मिला जुलाकर यह पूरा मामला फैमिली ड्रामा तक पहुंच गया है। ज्योति मौर्या और आलोक की कहानी में अब शुभ्रा और विनोद की एंट्री हो गई है। इसका सच और इसकी कहानी का सच कितना है, ये सब आने वाले वक्त में पता चलेगा। कुल मिलाकर यह पूरा मामला सोशल मीडिया पर आम लोगों की चर्चा का विषय जरूर बना है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।